दिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। जलगांव शहर में ना तो अच्छे रास्ते हैं और ना ही रास्तों पर लाइट, जिस वजह से अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। हाईवे नया बन चुका है लेकिन वहां पर स्ट्रीट लाइट शुरू नहीं की गई है। ऐसा ही माहौल समूचे शहर भर में है। जलगांव शहर में सिरसोली की ओर जाने वाले रास्ते की हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। रास्तों पर गड्ढे तो हैं ही, साथ ही रात के समय में लाइट्स का न होना यहां पर दुर्घटनाओं को लगातार आमंत्रित करता रहता है। रविवार को भी लाइट्स नहीं होने की वजह से एक ट्रक वाले को मोटरसाइकिल दिखाई नहीं दी और मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में ट्रक डिवाइडर से टकरा गया। इस दुर्घटना में किसी भी तरह का कोई हताहत तो नहीं हुआ लेकिन ट्रक का नुकसान तो हुआ ही है। जनता यह सवाल कर रही है, क्या महानगर पालिका प्रशासन या जिम्मेदार किसी की मौत का या फिर किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं? हैरत की बात तो ये है कि इस रास्ते पर कई बड़े बड़े बंगले हैं, कई बड़े लोग इस तरफ रहते हैं जिसमें महापौर का घर भी इस रास्ते से आ सकता है। साथ ही साथ मेहरून तालाब पर बड़े बड़े बंगले में बड़े बड़े लोग रहा करते हैं, लेकिन रास्तों की हालत तो बिल्कुल फक्कड़ जैसी हो गई है, जहां गड्ढे भी हैं और अंधेरा भी। शायद जिम्मेदारों की शर्म भी अब मर चुकी है, क्योंकि कई बार खबरें दिखा दी गई है, दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन रास्तों की दुरुस्ती का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। ऐसी भावनाएं अब लोग व्यक्त कर रहे हैं। जलगांव से आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तूत, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।